छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के विकास को लेकर साय सरकार का विशेष जोर है और इसी के चलते सरगुजा आदिवासी विकास प्राधिकरण बनाया गया है। इस प्राधिकरण की बैठक आज आयोजित की जा रही है। बैठक में सीएम विष्णुदेव साय शामिल होंगे। सीएम साय ने जशपुर रवाना होने से पहले रायपुर हेलीपैड पर मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरगुजा विकास प्राधिकरण की पहली बैठक आदिवासी क्षेत्र पर विकास को फोकस करने प्राधिकरण का गठन किया था। 5 साल प्राधिकरण में ठीक से काम नहीं हुआ, लेकिन अब अच्छा काम होगा। इसके साथ ही सीएम ने रायपुर दक्षिण में प्रत्याशी घोषित मामले में भी बयान दिया है। सरकार बनने के बाद प्राधिकरण का पुनर्गठन हुआ है और आज सरगुजा विकास प्राधिकरण का पहला बैठक जसपुर जिले से प्रारंभ कर रहे हैं और वहां पर एक मयाली करके जगह है, बड़ा ही सुंदर जगह है, पर्यटन स्थल है। वहां पर विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग भी स्थापित है, तो वहां से शुरू कर रहे हैं। और जिस तरह से 15 साल हमारी सरकार थी डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में, तो उन्होंने सरगुजा और बस्तर जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है वहाँ पर विकास को फोकस करने के लिए प्राधिकरण का गठन किया था। और इस समय हम लोग पुनर्गठन में, पिछली सरकार में अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री होते थे हमारी सरकार में, उसको हटा के विधायक को बनाए थे। और हमको लगता है कि पिछले 5 साल प्राधिकरण में ठीक से काम भी नहीं हुआ, लेकिन अब अच्छा काम।